अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो अभी तक भी इस समय बड़ोदरा जेल में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी निकलने की सुनवाई जो है वो हो सकता है इसी रमज़ान के महीने में उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चल रहे थे कि आखिर सलमान अजहरी जो है वो कब से लेकर कब तक वापस आएंगे और अभी जो है उनको जेल में कितने समय तक और रखा जाएगा। तो इसका जो अपडेट है अभी तक कंफर्म निकल कर सामने नहीं आया है, बस उनकी इतनी सुनवाई सामने निकल कर आई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रमज़ान के महीने में ही बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप सब लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी को धीरे धीरे भूलने लगे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी कौन है। और अभी तक उनका आप देख सकते हैं, पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उनका चर्चा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा उनका जिक्र हो रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका मामला जो है वो शांत होता जा रहा है। क्या दोस्तों आप मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में बस सिर्फ इतना ही जानते हैं? क्या आप मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में बस इतनी ही उनके दिल में मोहब्बत रखते हैं? क्या आपके लिए मुफ्ती सलमान अजहरी की बस यही मोहब्बत बची है? दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, मुफ्ती सलमान अजहरी वो शख्स हैं जो कि उनके दिल पे हर इंसान राज करता है, और इस बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। जहां पर भी अच्छे अच्छे जलसे होते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी को वहां पर बुलाया जाता है और मुफ्ती सलमान अजहरी जो है तकरीर के साथ लोगों के दिल को छू जाते हैं, जैसा कि दोस्तों आप सब लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। लेकिन अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी को भूल बैठे हैं। दोस्तों आप सभी लोग मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआ करें ताकि वो बहुत जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सकें। और दोस्तों आप सब लोग उनके लिए दुआ करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। लेकिन दोस्तों वहीं पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी जो है उनका बयान अभी कुछ टाइम पहले एक सोशल मीडिया पर और काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। अगर आपने वो बयान नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआ करें ताकि वो बहुत जल्द से जल्द इसी रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह वापस आएं और जो उनका ईद है वो इंशाल्लाह अपने घर पे ही मनाएं। दोस्तों आप सभी लोग उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें।